In this video, we are going to study about the anatomy of the flowering plants. इससे पहले एक हमने जो videos बनाई थी उसमें morphology के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है? तो anatomy का meaning हो गया कि हमारा flowering plant किस चीज़ से बनाया है, यानी कि इसके tissues के बारे में पढ़ना है हमने, ठीक है? तो main जो इसके topics हैं, there are tissues, tissue का system, उसके बाद anatomy and last is the secondary growth. और ये मैं एक ही video में cover up कर दूँगा सारा, ठीक है? तो सबसे पहले tissues जो होते हैं, tissues की डेफिनेशन क्या होती है, टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कुछ सेल्स होंगे वो ग्रुप बना देंगे मोर देन 2, 10, 20, 50, 100 और एक स्पेसिफाइड फंक्शन होगा उनका, इसको बोलते हैं टिश्यूज़, ठीक है? उसके बाद जो टिश्यूज़ होते हैं दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप. सबसे पहला आता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू. मेरिस्टमैटिक टिश्यू का मीनिंग होता है वो टिश्यू है जो कि क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, यानी रिप्रोड्यूस यानी कि वो माइटोसिस करता है. और ये प्रेजेंट होता है हमारी टिप पे, यानी कि टिप ऑफ रूट या फिर शूट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है? इसका काम होता है ग्रोथ का, ठीक है? दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू. रूट में हमने पढ़ा था मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में, जब मेरिस्टमैटिक जोन पढ़ा था, उसके बाद मैचुरेशन जोन पढ़ा था, ठीक है? तो उसके बाद जो हमारा रूट अपिकल मेरिस्टम होता है वो रूट में होगा और शूट अपिकल मेरिस्टम शूट में होगा, ठीक है? जिस टाइम मेरिस्टम क्या कर रहा होता है, डिफरेंशिएट कर रहा होता है, यानी कि सेल्स डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, कुछ सेल्स क्या करते हैं, रह जाते हैं पीछे, और वो सेल्स जो होते हैं वो एक क्लस्टर सा ग्रुप सा बना देते हैं, और उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड. एक्सिलरी बर्ड जो होता है, बर्ड से क्या प्रोड्यूस होती है, पहले लीफ प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद यहाँ से प्रोड्यूस जाती है स्टेम, ठीक है? तो ठीक है, उसके बाद मेरिस्टम जो होता है दैट अकोर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टम आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है? तो जो हमारे ग्रासिस में प्रेजेंट होता है, ग्रासिस और ग्रासिस में होता है, ठीक है? और ग्रासिस के जो हमारे पार्ट्स होते हैं दैट आर रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोरस. ग्रास तो देखा होगा आपने, उसका अगर एक टहनी भी अगर कहीं भी फेंकता हो तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर देता है, यानी कि वो टिश्यू जो होता है वो जड़ें निकाल देता है, ठीक है? वो एपिकल मेरिस्टम और इंटरगैलरी मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. तो पहला मेरिस्टम जो होता है दैट इज़ प्राइमरी मेरिस्टम, जिसमें आता है हमारा इंटरगैलरी मेरिस्टम आता है और एपिकल मेरिस्टम आता है. तो एपिकल मेरिस्टम वो मेरिस्टम होता है जो हमारे टिप्स पे होता है, ठीक है? और इंटरगैलरी मेरिस्टम होता है बिटवीन द टू मैच्योर मेरिस्टम के बीच में जो मेरिस्टम आता है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरगैलरी मेरिस्टम, ठीक है? इंटरगैलरी मेरिस्टम की एग्जाम्पल है ग्रासिस. नेक्स्ट जो होता है सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम. जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस वुडी एक्सिस और वो लेटर लाइफ में आता है, ठीक है? उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम होता है दैट इज सिलिंड्रिकल मेरिस्टम. उसकी एग्जांपल है फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर और कॉर कैम्बियम. इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट आता है परमानेंट और परमानेंट सेल्स कौन से होते हैं और मैच्योर सेल्स कौन से होते हैं, यानी परमानेंट और मैच्योर सेल्स कौन से सेल्स होते हैं. जो सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते ना उनको बोलते हैं परमानेंट सेल्स और मैच्योर सेल्स. वो ही प्लांट की प्राइमरी बॉडी बनाते हैं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट जो हमारे टिश्यूज आते हैं दैट आर परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, ठीक है? उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है, दैट वाई दे आर कॉल्ड एज सिंपल टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? सबसे पहला आता है हमारा सिंपल और दूसरा आता है कंपाउंड कम्प्लेक्स. सिंपल जो होंगे दैट आर मेड अप ऑफ वन टाइप, यानी कि परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल होते हैं या कम्प्लेक्स होते हैं. सिंपल जो होते हैं वो एक ही तरह के सेल के बने होंगे. उसकी एग्जांपल है जैसे पेनकाइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरनकाइमा. इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? और इन तीनों का जो डिफरेंस है वो बताऊंगा मैं अच्छे तरीके से आपको. ये एग्जांपल्स हैं इन तीनों की,
तो ये हमारे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो होता है इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स, ठीक है, मेजर कंपोनेंट जो किसी भी ऑर्गन का है दैट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। जो इसके सेल्स होते हैं दैट आर आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, या तो स्फेरिकल होते हैं या ओवल होंगे, राउंड होंगे, पॉलीगोनल होंगे, इलोंगिनेटेड होंगे, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देयर वॉल्स किससे बनी होती हैं, देयर वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, या तो वो क्लोजली पैक होते हैं या फिर उनके अंदर क्या होती है इंटर सेल्यूलर स्पेसिस होती हैं। पेरेन्काइमा जो होता है इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रिएशन, यानी कि PSS, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो होता है इट अकोर्स इन द लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस ऑफ द मोस्ट ऑफ डाइकॉट प्लांट, यानी कि डाइकॉट प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे वो प्रेजेंट होता है कोलेन्काइमा। ये एक होमोजीनियस लेयर में हो सकता है या फिर पैचेस में होगा, ठीक है। ये जो होता है, ये जो कोलेन्काइमा होता है वो थिक होता है कॉर्नर्स में, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है सेल्यूलोस या हेमीसेल्यूलोस या पेक्टिन, ठीक है। उसके बाद कोलेन्काइमा के सेल कैसे होते हैं ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, ये याद इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये फूड को एसिमिलेट करते हैं जब इनके पास क्या होता है कोलेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसिस जो होती हैं दे आर एब्सेंट, बट दे आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा, यहाँ पर दिया था स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ, ये इंपॉर्टेंट है। पेरेन्काइमा जो होता है दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रीशन। कोलेन्काइमा हेल्प करता है इन ग्रोइंग प्लांट्स सच एज यंग स्टेम एंड लीव्स ऑफ पेटियोल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है, देखो सबसे पहले स्क्लेरेन्काइमा बना किससे होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विच लैक विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स। सेल वॉल्स जो होती हैं इनकी थिक होती हैं, नैरो, ठीक है, लॉन्ग होंगे, एंड दे हैव फ्यूअर एंड न्यूमरस पिट्स, उनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉर्म स्ट्रक्चर एंड ओरिजिनेशन ऑफ फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा में भी आइदर फाइबर्स और स्क्लेराइट्स। स्क्लेरेन्काइमा दो तरह का होता है, या फाइबर फॉर्म में होता है या स्क्लेराइट फॉर्म में होता है। फाइबर जो होंगे थिक वॉल्ड पॉइंटेड सेल्स जनरली अकरिंग इन ग्रब्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और स्क्लेराइट्स जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। और इट हैज़ कैविटीज़, कैविटीज़ को बोलते हैं ल्यूमेन। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गावा, पियर्स, पोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ ट्रीज, लीव्स ऑफ टी। स्क्लेरेन्काइमा का मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। तो ये एग्जांपल्स जो यहाँ पर दिए हैं ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इन एग्जांपल्स को थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ये इट इज़ फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गावा, पियर एंड स्पोटा। जो ये स्क्लेरेन्काइमा ने यही प्रेजेंट है मैक्सिमम चीज़ों में, ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी है ना वो इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते। पेरेन्काइमा का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, क्रिएशन। कोलेन्काइमा का मेन काम क्या है, स्टेम और पेटियोल को क्या करना है, प्रॉपर मैकेनिकल सपोर्ट करनी है। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा का तो मेन काम है। उसके बाद इनके एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स क्या है, इनकी फोटो डायग्राम्स देख लीजिए। ये देख लीजिए पहला पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा में क्या है, इस इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कोलेन्काइमा है इसकी साइड वाइज जो है ये थिकेंड है। वाई थिकेंड है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज, चिटिन और लिग्निन वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बोला था इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट कोलेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है या तो हमारा हो गया ये फाइबर वाली फॉर्म में या तो स्क्लेराइट वाली फॉर्म में। इसमें बोला था हमने पिट्स वगैरह होते हैं, ठीक है।
तो ये थे आपके पेरेन्केमा, कोलेन्केमा, स्क्लेरेन्केमा. नेक्स्ट आर कम्प्लेक्स टिश्यू. कम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं दैट आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. अब परमानेंट टिश्यूज में जाकिन जो टिश्यूज होते हैं दैट आर कम्प्लेक्स टिश्यूज. कम्प्लेक्स टिश्यूज में हमने पढ़ना है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, ठीक है. और इनके बारे में हम क्लास टेंथ में भी पढ़ते हैं, तो नई चीज़ नहीं है, ठीक है. तो जाइलम, पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में. तो जाइलम में कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट वगैरह, वो बताता जाऊंगा मैं साथ साथ में, ठीक है. जाइलम का मेन काम क्या होता है? जाइलम का काम है कि आपका पानी, मिनरल्स और हार्मोन्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, ठीक है. कुछ बोलते हैं कि जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है. लेकिन एक बात याद रखना, देखो पानी अगर आप ले जा रहे हो किसी भी ऑर्गन में, फॉर एग्जांपल रूट से स्टेम में, स्टेम से वापस भी आ सकता है ना यार. मिनरल्स जो होते हैं हमारे स्टेम से वापस रीलोकेट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर मिनरल न्यूट्रिशन, यानी कि वो प्लांट के बारे में जब पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन वगैरह में, वहाँ पे जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आती है एक प्यारी सी, वो तब बताऊँगा आपको जब चैप्टर कराऊँगा, ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है. इट इज़ कम्पोज ऑफ फोर डिफरेंट कैट ऑफ एलिमेंट्स, ट्राइकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्केमा. जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनके अंदर वेसल्स नहीं होते, और जो जिम्नोस्पर्म्स का फ्लोइम है ना वहाँ पर भी थोड़ी बहुत ही एक्सेप्शंस आ जाएंगी, अभी आपको बताऊँगा आगे. ट्राइकिड्स जो होते हैं इलॉगिनेटी ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स, ठीक है. जो हमारे ट्राइकिड्स होते हैं दे आर डेड और इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता. द इनर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल्स हैव थिकनिंग्स विच में वेरी इन फॉर्म. इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्राइकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स, यानी कि ट्राइकिड्स एंड वेसल्स जो होते हैं दे आर द मेन ऑर्गन्स दैट ट्रांसपोर्ट द वाटर. दैट अगर क्वेश्चन आए कि मेन ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, दैट आर ट्राइकिड्स एंड वेसल्स. डू नॉट टिक वेसल्स, दैट आर ट्राइकिड्स एंड वेसल्स. नेक्स्ट, वेसल इज़ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड एज वेसल मेम्बर्स. ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना. वेसल्स जो होते हैं दैट आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. पहले ट्राइकिड्स में नहीं होता, ट्राइकिड्स आर ऑल्सो डेड. वेसल्स जो होते हैं दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म बट लिविंग, ठीक है. वेसल्स जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी परफोरेशंस होती हैं, ठीक है, यानी कि खाली खाली होता है, तो एक दूसरे के साथ वेसल्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू परफोरेशंस, यानी कि खाली होंगे तो एक दूसरे से एंड एंड जुड़ जाएंगे, ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज़ ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. याद रखना जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते और एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स जो होते हैं दैट इज़ ए करेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कि करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म इज वेसल. जाइलम फाइबर जो होते हैं दैट हैव थिकेंड वॉल्स एंड ओबिलेटेड सेंटर ल्यूमेंस, ठीक है, या वो सेपरेट होते हैं या ए सेपरेट होते हैं. जाइलम पेरेन्केमा जो होता है वो लिविंग होता है. ओनली जाइलम पेरेन्केमा इज लिविंग, ऑल अदर्स आर डेड. दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिंस. रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेन्केमाटस टिश्यूज, यानी कि हमारा जाइलम में सिर्फ एक ही लिविंग होता है, दैट इज जाइलम पेरेन्केमा. जाइलम और मेटाजाइलम, तो इन दोनों के बारे में सबको आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ. तो सबसे पहला जाइलम जो बना होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, ठीक है. उसके बाद जो सेकंड यानी कि प्राइमरी के बाद जो हमारा जाइलम बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाजाइलम, यानी कि प्राइमरी जाइलम से जो नेक्स्ट जाइलम बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाजाइलम.
और इनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं, स्टेम में अलग होता है और रूट में अलग होता है। अब अगर आपका प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम अगर सेंटर में है, ठीक है, तो उस टाइम जो आपका उस टाइप का आपका जाइलम जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एंडार्च, यानी कि उसकी ट्रिक है EPIC एपिक, ठीक है, यानी कि या फिर ऐसे याद कर दें PEC, ठीक है, पैक यानी कि पैक का मीनिंग क्या है, प्रोटोजाइलम एंडार्च सेशन देगा अगर वो सेंटर में है, ठीक है। प्रोटोजाइलम अगर आपका पेरीफेरी में है यानी कि रूट में, तो उस टाइम वो क्या करता है, वो एक्सार्च बना देता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लें, ठीक है, एक्सार्च कब आता है, एंडार्च कब आता है, ठीक है। तो मैं इसकी एक ट्रिक दे दूंगा एक अलग से वीडियो में, ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, ट्रिक में आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्लोइम। फ्लोइम का मेन काम क्या है, फूड को ट्रांसफ़र करना, यानी कि फूड को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोइम जो होता है एंजियोस्पर्म में, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोइम पेरेन्काइमा, फ्लोइम फाइबर्स। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स होते हैं इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। इनमें सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स नहीं होता, सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैन अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। एंड वॉल्स जो होती हैं परफोरेटेड होती हैं, ठीक है। जो आपका मैच्योर सीव एलिमेंट होता है, इट पोजेसेस ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक न्यूक्लियस। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, यू मस्ट रीड दिस लाइन। द फंक्शंस ऑफ द सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यूज सेल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बाय देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, वो दे मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट को कंट्रोल करते हैं सीव ट्यूब्स में। फ्लोइंग पेरेन्काइमा जो होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ एलोंगिनेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल वॉल जो होती है, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। फ्लोइंग पेरेन्काइमा जो होता है, इट स्टोर्स फूड मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, लेटेक्स, ठीक है। तो ये कुछ है इसके बारे में। फ्लोइंग पेरेन्काइमा जो होता है, इट इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलीडन्स, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इसके बारे में। उसके बाद फ्लोएम जो फाइबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्ट फाइबर्स। दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। अब प्राइमरी फ्लोएम क्या है और सेकेंडरी फ्लोएम क्या है, वो भी बताना ही पड़ेगा। जो पहले फ्लोएम बनता दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फ्लोएम, जो उसके बाद जो फ्लोएम बनता दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद नेक्स्ट होता है, द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक। उसके बाद मैच्योरिटी में क्या होता है कि फाइबर्स दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम दैट। फ्लोइंग फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर कमर्शियली यूज्ड, ये क्वेश्चन आता है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोइंग इज कंसिस्ट ऑफ नैरो सी ट्यूब्स एंड इट इज रेफर टू एज प्रोटो फ्लोइंग। उसके बाद जो बनता है फ्लोइंग दैट हैज बिगर सी ट्यूब्स और उसको बोलते हैं हम मेटा फ्लोइंग, ठीक है। ये था इसके बारे में, फ्लोइंग के बारे में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम जो होता है, सबसे पहला हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना किसी प्लांट की, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसमें आते हैं हमारे एपिडर्मल सेल हो गया, आपके स्टोमेटा वगैरह हो गया,
ठीक है, और एपिडर्मल अपेंडिजेस जो होते हैं हमारे ट्राइक्रोम्स एंड हेयर्स, आपको पता है ट्राइक्रोम्स क्या होते हैं और हेयर्स क्या होते हैं, ठीक है अभी बता दूंगा आगे आपको, ये आएगा आप सब कुछ। एपिडर्मिस जो होगी आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी प्लांट बॉडी की, ठीक है एपिडर्मिस होगी वो कॉन्टीन्यूस लेयर होती है, ठीक है तो मेन काम जो होता है उसका प्रोटेक्शन होता है, वो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज से बनी होती है, ठीक है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एपिडर्मिस होता है ना उसके बाहर एक वैक्स लाइक चीज़ बनी होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, वैक्सी लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल, विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। देखा होगा आपने किसी भी पत्ते पर, पत्ते जो होते हैं स्टिकी स्टिकी से होते हैं थोड़े थोड़े, क्यूटिकल इज एबसेंट इन द रूट्स। क्यूटिकल का मेन काम जो होता है ना जो आपका लीफ हो गया उससे एक्सेस वाटर को उड़ने से बचाना होता है इसका काम। स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा क्या करता है, इट रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा तो आपको पता ही है मेन काम क्या स्टोमेटा का, स्टोमेटा इज कंपोज ऑफ टू बीन्स बीन शेप सेल्स कॉल्ड एज गॉड सेल्स विच इनक्लोज द स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर क्या हो गया ये देख लो आप, इस पोर को बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। स्टोमेटल पोर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा बहुत, जो ग्रासेस होते हैं गॉड सेल्स होते हैं इनमें देट आर डबल शेप, आउटर वॉल्स जो होती हैं गॉड सेल्स की, ठीक है वो थिन होती हैं और इनर वॉल्स जो होती हैं हाईली थिकेंड होती हैं। गॉड सेल्स की जो होते हैं, जो गॉड सेल्स होते हैं हमारे, इट प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमेटा की होती है वो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं ना आगे पीछे के, देर आर कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। तो स्टोमेटल अपर्चर जो होता है, स्टोमेटल अपर्चर गॉड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स टुगेदर कॉल्ड एज स्टोमेटल अपरेटस। ये सामने आसपास के सेल्स, ये आपके गॉड सेल्स, ठीक है। तो इन सबको हम मिला मिलू के कहते हैं स्टोमेटल अपरेटस। जो आपके ये देखो गॉड सेल्स होते हैं दे आर डम्बल शेप इन ग्रासेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में आ चुका हुआ है। तो उसके बाद आता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि वो हेल्प कैसे करते हैं, ठीक है। All the tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue. Epidermis, vascular bundle. Vascular bundle यानी कि xylem phloem आपका, वो constitute करते हैं ground tissue system. It consists of simple tissues such as parenchyma, colenchyma, sclerenchyma. Parenchyma जो होते हैं that are present in cortex, pericycle, pith, medullary rays, in the primary stems and roots. उसके बाद जो leaves होते हैं, द ग्राउंड टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड एज मेसोफिल्स। तो बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट जो है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, कंजॉइंट या रेडियल हो गया, ठीक है, ओपन और क्लोज होता है। ऐसे तो इसकी दो टाइप्स हैं, ओपन या क्लोज। क्लोज जो होता है दैट इज ऑफ ऑल्सो टू टाइप्स, रेडियल एंड कंजॉइंट। वेस्कुलर टिश्यू का होता है मीनिंग कि आपके जाइलम फ्लोएम वगैरह किस तरह से अरेंज्ड हुए हों, ठीक है, कैम्बियम कुम्बियम की प्रेजेंस किस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा बताऊँ आपको। वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कम्प्लेक्स टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स। डाइकॉट में क्या होता है, इन डाइकॉट स्टेम द कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम। सच वेस्कुलर बंडल्स आर because such vascular bundles because of the presence of cambium possess an ability to form secondary xylem and phloem tissues and are called as open vascular bundle।
यानी कि ओपल वेस्कुलर बंडल का मीनिंग क्या है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कैंबियम, जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन वेस्कुलर बंडल्स। मोनोकॉट में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैंबियम नहीं होता जिसके कारण उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। उसके बाद जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं हमारे, उन वो जब अरेंज्ड होते हैं इन्हें वेस्कुलर बंडल में, जब वो उनको अरेंज करते हैं वेस्कुलर बंडल में, ठीक है, या उन डिफरेंट रेडियाई, दैट इज़ कॉल्ड इन डिफरेंट रेडियाई, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम रेडियल, वो होता है रूट्स में। तो दूसरा जो अरेंजमेंट होता है दैट इज़ कंजाइंट। कंजाइंट में जाइलम और फ्लोएम को क्या करते हैं, दे आर अलॉन्ग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कंजाइंट, यानी कि रेडियल कंजाइंट की एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रेडियल हो गया, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये रेडियल हो गया, आप देख रहे हो ना, एक ही रेडियस में, एक ही रेडियस में आ गए तो तब हो गया रेडियल। तो कंजाइंट में हो गया, एक तरफ जाइलम हो गया, दूसरी तरफ फ्लोएम हो गया, ठीक है, साइलम और फ्लोइम के बीच में अगर कैम्बियम आ गया तो ये हो आपका कौन सा हो गया, कंजाइंट ओपन, ठीक है, अगर रेडियस नहीं है तो कंजाइंट क्लोज्ड, ठीक है। इसके अलावा एक वीडियो छोटी सी डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। तो मेरी बात याद रखना, ये जो हमारी अनाटॉमी ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट के पढ़ने से पहले आपको ना ये पूरी सीक्वेंस याद होनी चाहिए। रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोसाइकल, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ, फ्लोएम। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सीक्वेंस पूरी की पूरी याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा पता, ऑटोमेस्ट लेयर जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एपिबलीमा, जो मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिबलीमा जो होते हैं दे पोर्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। जो कॉर्टेक्स होता है इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमीएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पियन स्ट्रिप्स। कैस्पियन स्ट्रिप्स की एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो हमारा प्लांट का जब पहला चैप्टर है, यानी कि प्लांट की फिजियोलॉजी जो पढ़नी है हमने, वहाँ पर कैस्पियन स्ट्रिप्स का जिक्र है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज पेरीसाइकल। पहला सब पेरीसाइकल, ठीक है। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल। उसके बाद आता है हमारा पिथ। पेरेन्काइमेटस टिश्यूज जो होते हैं दैट लाइज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोइंग एंड आर कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। दे आर यूजली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोइंग पैचेस। उसके बाद क्या आता है हमारा लेटरल, एक कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोइम। ऑल द टिश्यूज इन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल और वेस्कुलर कैमेडल्स आर पिथ कॉन्स्टिट्यूट्स स्टीले। यहाँ पर जो जो लिखा है ना वो कॉम्प्लेक्स इतना लिखा हुआ है कि दिमाग घूम जाएगा, लेकिन आप सीक्वेंस में भी याद करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। सबसे पहला आता है एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद आता है आपका कैस्पियन स्ट्रिप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद आएगा आपका वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के बाद आ जाएगा आपका पिथ। वेस्कुलर कैम्बियम जब पढ़ोगे ना आप तो उसके अंदर सारे के सारे टिश्यू आ जाएंगे आपके, वेस्कुलर बंडल वगैरह ये वो। नेक्स्ट इज मोनोकॉट रूट,
ये तो सिंपल सा है, ठीक है, डाइकॉट स्टेम, उसके बाद मोनोकॉटिक स्टेम, ये सिंपल है, यानी कि ये तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो ऊपर वाले हैं मैंने नहीं करवाए इसलिए क्योंकि उनके एक सिंपल से ट्रिक है, वो आपको एक वीडियो में दे दूंगा, तो आप उसी को देख के मिनट में याद कर लेना, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ का मीनिंग क्या हो गया, जो ग्रोथ होती है आपके मेरिस्टम से, ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, दैट इज द इंक्रीज ऑफ ग्रिथ, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, वो उसमें जो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो क्या करता है, यानी कि कैम्बियम का मीनिंग होता है कटिंग ऑफ, यानी कि वो क्या करता है कि जैलम और टिश्यू, जैलम और फ्लोइम को काट देता है, जिसके कारण सेकेंडरी जैलम और सेकेंडरी फ्लोइम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करता है, वो रिंग प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं हम, कुछ नहीं बोलते हैं, बस रिंग प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग पता कब बनती है, जो डाइकॉट स्टेम होती है ना, उसमें जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोइंग के बीच में, उसको बोलते हैं हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और जो सेल्स होते हैं ना मेडुलरी रेज के, जो ज्वाइन करते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को, दैट बिकम मेरिस्टमैटिक एंड फॉर्म इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दस ए कॉन्टीन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड। यानी कि कैम्बियम, कैम्बियल रिंग फॉर्म कैसे होती है ये बताया मैंने, ठीक है। पता क्या होता है, ऐसे समझ लो कि प्राइमरी जाइलम और फ्लोइम है, उसके बीच में जो कैम्बियम है दैट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वो बनता कैसे है, मेडुलरी रेज से, मेडुलरी रेज क्या होती हैं जो ज्वाइन करती हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को, वो मेरिस्टमैटिक हो जाती हैं, और क्या बनता है हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग जो होती है उसका मेन काम है काटना, ठीक है। काटने पर वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम बना देगी, ठीक है। तो जिसके कारण हमारे सेकेंडरी मेडुलरी रेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो यही कुछ लिखा हुआ है इसके यहाँ पे, द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव इन द इनर साइड एंड द आउटर, एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोइम एंड सून इट फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास। The primary and secondary phloems get gradually crushed due to the continued formation and accumulation of secondary xylem. The primary xylem, however, remains more or less intact or in around the center. ठीक है, तो ये कुछ है। उसके बाद next जो है हमारा final, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड के बारे में बताया हुआ थोड़ा, स्प्रिंग वुड कब बनती है और ऑटम वुड कब बनती है, तो बताता हूँ मैं आपको इनके बारे में। इनके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, इसके बाद के जो नेक्स्ट के जो टॉपिक है, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हर्ड वुड, सैप वुड, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम के बारे में एक प्यारी सी ट्रिक है, और वो भी मैं बताऊंगा एक अलग वीडियो में। थैंक।